गोंदिया जिला परिषद चुनाव के लिए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले भंडारा जिले के दौरे पर थे, जहां तुमसा तहसील के सिहोरा में नाना पटोले के इस क्षेत्र में कई व्यक्तित्व संबंध है, जबकि इस क्षेत्र में इनका पुराना नाता भी है, जिसको देखते हुए कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष कलाम शेख के प्रयासों से कार्यक्रम रखा गया था, जहां नाना पटोले की मौजूदगी में पक्ष प्रवेश का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें क्षेत्र के कई कार्यकर्ता शामिल हुए थे, जिसमें प्रमुखता से राष्ट्रवादी के पूर्व जिला परिषद सदस्य प्रतीक्षा कटरे और मोहगांव के सरपंच उमेश कटरे ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ओबीसी सीटों को छोड़कर चुनाव के संदर्भ में ओबीसी समुदाय कैसे प्रतिसाद देता है, ये देखना दिलचस्प है। संभ्रम आज ओबीसी समाजामध्ये निर्माण करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला जातो आहे, ही काही बरोबर नाही। राज्य सरकारने इम्पिकल डाटा 3 महिन्याच्या आत करून देण्याचं माननीय सुप्रीम कोर्टाचं आश्वासन देऊन सुद्धा ऍफिडेविट देऊन सुद्धा या निवडणुका कंटिन्यू करण्याचा मागचा नेमका उद्देश काय ही कळायला कारण नाही। पण लोकशाहीच्या मार्गाने जे काही व्यवस्था निर्माण होतात आहेत त्या व्यवस्थेचा सामना करावा लागतोय, आणि म्हणून जे काही रिझल्ट येतील, आमची राज्य सरकारला एकच विनंती आहे की आता केंद्राच्या भरोशावर नाही, राज्याने पुढाकार घ्यावा, राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घ्यावा आणि 3 महिन्याच्या आत इम्पिरिकल डाटा गोळा करून ओबीसीचं आरक्षण कायम ठेवण्याच्या दृष्टिकोनातला प्रयत्न केला गेला पाहिजे। एक प्रकारचं लोकांची दिशाभूल करण्याचा जो प्रयत्न सुरू आहे। तुमसर से BCN न्यूज के लिए जितेंद्र पटले की रिपोर्ट।